एब्सर बनूंगा और अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करूंगा। अंकल जी बेटा, आप मुझे फौज में भर्ती करवाएंगे ना? क्यों नहीं बेटा, जरूर जरूर। बस अंकल, ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद यूनिट में रिपोर्ट करके एक हफ्ते के लिए छुट्टी लेकर आया हूँ। बहुत अच्छा किया बेटा, बहुत अच्छा। मेरे दूसरे दोस्त भी आए हुए हैं, मैंने सोचा कि उससे भी मुलाकात हो जाएगी। ठीक है बेटा, चाय पीते हैं। मिस्टर रवि, आज जैसे स्कूल की छुट्टी हो तो बम पटना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो। यस बॉस। और हाँ मिस्टर कुमार, तुमको जो टास्क दिया गया है ना, वो आज ही मुकम्मल होना चाहिए। ओके बॉस। और हाँ, एक बात याद रखो, बाकी तो हमने सेटिंग कर लिए, लेकिन पाकिस्तानी फौज से बचकर रहना। ये इस मुल्क का वाहि इदारा है जो बिकता नहीं है, और पाकिस्तान की फौज का एक ही जवान हमारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। और ये जो हमने पाकिस्तानी परचम लगाया हुआ है, ये इसीलिए कि ताकि हम पर कोई शक ना करे। ओके बॉस। सर, काली पहाड़ी में दहशतगर्द वो स्कूल को उड़ाना चाहते, उन्होंने निशाने के तौर पर झंडा लगाया हुआ है। किसका फोन है? मेरे साथ फोन है। लेफ्टिनेंट अमर। यस सर। अभी इत्तला मिली है कि तुम्हारे गांव के काली पहाड़ी में दहशतगर्द है और स्कूल को उड़ाना चाहते हैं। वक्त बहुत कम है, तुम और तुम्हारे साथी फौरन ऑपरेशन करो। डोंट वेस्ट अ टाइम, इमीडिएटली। ओके सर। इमरान, वर्दी पहनो, हरी अप। अंकल, मुझे जाना पड़ेगा। परचम लहराया है मर्द मुजाहिद, जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम लहराया है मर्द मुजाहिद, जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया।
मरकज़े यकीन शाह।